आज ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स में 11वां लेक्चर है और आज लेक्चर में हम लोग सीखेंगे टर्मिनेशन के ही कुछ स्टेप्स को। इससे लेक्चर में हम लोगों ने जो ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन है, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन में पिछले दिनों हम लोगों ने रो फैक्टर डिपेंडेंट देखा था। रो फैक्टर के बारे में हम लोगों ने जानकारी हासिल की कि ये रो फैक्टर जो है वो कितना प्रभावी और कैसे काम करता है। लोग इसको एटीपी डिपेंडेंट आरएनए डीएनए हेलिकेज भी कहते हैं, आरएनए डीएनए हेलिकेज। जब इस तरह का नाम आता है तो विद्यार्थी को थोड़ा सा स्मार्ट होना चाहिए। एटीपी डिपेंडेंट मतलब रो फैक्टर में एटीपीएज एक्शन होता है और इससे जो एनर्जी निकलता है उससे आरएनए डीएनए के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड को खोलता है। हेलिकेज क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड को खोलता है। तो देखो, ये अगर डीएनए है और ये अगर उस पर आरएनए है, ये उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ये रो फैक्टर क्या करता है? इस हाइड्रोजन बॉन्ड को खोल देता है और खोलने के बाद क्या होता है कि आरएनए अलग और डीएनए भी अलग हो जाता है। ये यदि हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं खोलेगा ये काम हो नहीं सकता। इसके लिए हेलिकेज एंजाइम होता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड खोलता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड चूंकि डीएनए और आरएनए के बीच में बना हुआ है इसलिए आरएनए डीएनए लिखा गया और इस पूरे प्रोसेस में एटीपीएज का एक्शन होता है इसलिए इसको एटीपी डिपेंडेंट लिखा गया। ये सब टर्म्स को हरदम समझना चाहिए। आज जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वह है सेकेंड टॉपिक, दैट इज कॉल्ड रो इंडिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन। तो अब अगला जो मेथड है उसमें स्पष्ट लिखते हैं कि ये रोस पर कोई इसकी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। ये रो टाइप का कोई प्रोटीन इसको नहीं चाहिए, इंडिपेंडेंट है और ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन ये करेगा। वो तो कैसे करेगा? कभी कभी क्या होता है कि आप फिर से एक डायग्राम को देखें, ये ऐसे है और ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, ठीक है, और ये है डीएनए टेम्पलेट और इनके बीच में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से हम दिखा रहे हैं दोनों तरफ से हाइड्रोजन बॉन्ड का शेयरिंग। अब जब दोनों तरफ से हाइड्रोजन बॉन्ड का शेयरिंग है तो बहुत महत्वपूर्ण है कि बिना अगर किसी एंजाइम के ये खुलेगा, इसके अंदर एक खुद का अपना एक मैकेनिज्म होना चाहिए हुआ है, इसलिए इसको हम लोग रो इंडिपेंडेंट को दूसरे टर्म में हम लोग कहते हैं इंट्रिंजिक टर्मिनेशन। इंट्रिंजिक टर्मिनेशन क्योंकि इसमें जो है सारी स्टोरी अंदर में ही लिखी रहती है, इसमें कुछ भी अलग से नहीं लिखा रहता है, बाहर से कुछ भी नहीं, अपने में ही ये इस तरह से कर लेता है। तो अगर इंट्रिंजिक है, इसके अंदर में ही सारी व्यवस्थाएं बनी हुई है, ठीक है, तो इसमें क्या लिखते हैं हम लोग कि जो ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है आरएनए का, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट आरएनए हैज क्या? सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस। अब ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस क्या है भाई? तो इसको समझना होगा, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या कहा? अब सब लोग गौर से देखना, एक हम आरएनए का सीक्वेंस बना रहे हैं,
है, एक यहाँ ए है, टी जी सी जी सी टी ए ए टी जी सी जी ए टी सी, ऐसे एक सीक्वेंस बना हुआ है, हम आपको रैंडमली बनाया है। अब गौर करो सब लोग अच्छे से, यहां से लेकर यहां तक का जो सीक्वेंस है, ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक का जो सीक्वेंस है, ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं? अगर गौर करें तो ये कुछ इस तरह का एक हेयर पिन बन जाएगा, देखिएगा सब, ठीक है। अब यहां ए है, यहां तो ए लिखते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट्री यहां कौन है, टी है, वो इसके सामने है तो टी लिखे, फिर यहां जी है तो जी लिखे, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, सी है यहां पर, सी लिखे, फिर से जी है तो जी लिखे, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, सी है, वो यहां सी है, इधर अगर ए है तो इधर टी है, अब गौर कर रहे होंगे, है ना, और इधर टी है तो इधर ए है, इधर ए इधर टी, और फिर इधर जी इधर सी। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि इसमें सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, और बचा ये सीक्वेंस, ये तो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री है नहीं, जी ए टी सी, ये इस तरीके से इसमें मौजूद रहता है, जी टी सी ए। तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं हेयर पिन, इसको क्या बोलते हैं, हेयर पिन लूप। आप लोग देखते होंगे कि लड़कियां बालों में हेयर पिन लगाती हैं, उस हेयर पिन की क्या खास बात होती है, शुरुआत में तो वो दबा हुआ रहता है लेकिन उसके आगे उसमें थोड़ा सा फूला हुआ रहता है, देखिए इस प्रकार से वो हेयर पिन बनता है, अगर मैं सही हूं तो इसी प्रकार से हेयर पिन रहता है, तो इसको हेयर पिन लूप कहा गया। और इसमें ये जो सीक्वेंसेस ये क्या है, ये है सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, ठीक है, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। अब सोचिए कि ये जो है ये तो प्राइमरी स्क्रिप्ट है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट किसके साथ बेस पेयर कर रहा है, तो डीएनए टेम्पलेट के साथ, ठीक है, डीएनए टेम्पलेट के साथ। लेकिन जैसे ही इस तरह का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आएगा, जैसे ही आएगा, रिजल्ट क्या होगा कि ये लोग आपस में यहां से जिसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड था वो खत्म हो जाएगा और ये खुद से एक लूप बना लेगी। मतलब लूप बनाने का मतलब क्या हो गया, यह डीएनए टेम्पलेट से अलग हो, डीएनए टेम्पलेट से अलग हो गया। जैसे ही डीएनए टेम्पलेट से अलग होता है हम क्या कहते हैं कि ये जो है टर्मिनेशन हो गया है। इस पूरे डायग्राम अगर गौर करोगे तो इस पूरे डायग्राम में ये समझ में आएगा कि ये कॉम्प्लीमेंट सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है इसके आने से कोई अलग से एंजाइम की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए डीएनए पर सब कुछ लिखा रहता है, मान लो कि यह एक डीएनए है, डीएनए टेम्पलेट, जितने अच्छे से आप इन सब चीजों को सीखिएगा उतना, क्योंकि हम देखते हैं कि जो सब टर्मिनेशन है ना वो लोग याद करते हैं, उनको समझ में थोड़ा सा कम आता है, बट आप जितना अभी सवाल करते हैं, जितना विद्यार्थी पूछते हैं उनसे, उन्हीं से सवालों पर प्रेरित होकर इस तरीके से चीजों को विकसित किया जाता है। अब ये जो है ये स्टार्ट पॉइंट है, ठीक है, ये स्टार्ट पॉइंट इसलिए है, इससे पहले का जो सीक्वेंस है जिसे हम लोग प्रमोटर सीक्वेंस कहते हैं, ये सीक्वेंस बताता है कि हम प्रमोटर हैं, हमें -35 एलिमेंट है, -10 एलिमेंट है, हमारा ये फीचर है। जब टर्मिनेशन की बात आती है, मान लो यहां से यहां जो है वो टर्मिनेशन
सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस में क्या होगा, इस सीक्वेंस में सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस होंगे, ठीक है, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस। यहां पर आ गए। अब जब इस पर सोचो कि बन रहा है क्या, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट यहां पर भी आया तो अपना बनते जा रहा है सबके साथ, यहां पर भी तो बन रहा है। जैसे यहां पर ये बनना शुरू हुआ, ये क्या कर रहा है, ये तो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस कोड करना शुरू कर दिया अपने पर इस तरीके से। अब चूंकि हमको टी का जगह यू लिखना होगा, लिखना भी चाहिए क्योंकि हम आरएनए बता रहे हैं, ठीक है ना, टी का जगह यू, ठीक है। ये सीक्वेंस जैसे ही उस पर आएगा सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, तुरंत क्या होगा, इसी जगह पर हम इसी को थोड़ा सा डिलीट करके आपको बताते हैं, इसी जगह पर वो इस तरीके से आ रहा है। और ऐसे उसने क्या किया, एयरपिन लूप्स बना ली। जैसे ही लूप बनाया वैसे ही ये बाहर निकल गया, और ये जो हो गया प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बाहर निकल गया, बस प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट हो गया। और यहां पर तो चूंकि टर्नरी स्ट्रक्चर होता है, इसके साथ क्या होता है, इसके साथ तो आरएनए पॉलीमरेज भी होता है। यहां पर आरएनए पॉलीमरेज का भी जो रिलेशन है वो क्या होता है, वीक हो जाता है और वो वहां से खुल जाता है, ठीक है ना। देखिए इस प्रकार से ये सारा काम होता है। तो ये लूप का बनना ये टर्मिनेशन को प्रमोट करता है। देखिए जो इंट्रिंजिक टर्मिनेशन है ना, इंट्रिंजिक टर्मिनेशन, इसके अपने फीचर्स हैं, इसके अपने क्या है फीचर्स हैं, और फीचर्स को जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे इट इंक्लूड्स किस तरह के सीक्वेंस, इन्वर्टेड रिपीट्स, इन्वर्टेड रिपीट्स, जिसे दूसरे वर्ड में हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। तो इसको ये इंक्लूड करता है, साथ में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को भी हम लोग इन्वर्टेड रिपीट्स ही बोलते हैं, हम और कह देते हैं इन्वर्टेड रिपीट्स ही होता है। और ये फॉर्म क्या करता है, फॉर्म हेयरपिन लूप जो है वो किस पे बनेगा, इन प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, कभी भी डीएनए में नहीं बनेगा। ये सब छोटी छोटी चीजें होती हैं जो दिमाग से अगर थोड़ी सी भी हिल डुल रहे ना तो आप किसी भी सवाल में फंस सकते हैं। पूछ देगा हेयरपिन लूप किस पे बना, डीएनए में कि आरएनए में। अब जानते हुए भी जो है ना दिमाग घरवा था, अरे किसमें था, डीएनए में था कि आरएनए में था, बट प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। और इसमें लगभग 7 to 20 बेस पेयर्स होते हैं, बीपीस इतने सारे होते हैं। हाँ, और ये जो है यू रिच होता है, मतलब यूरेसिल रिच होता है, ये भी है। अब अगर आप कोई भी हेयर पिन अगर लूप देखेंगे, कोई भी हेयर पिन लूप, चलो एक ऐसे लूप दिखाते हैं, ठीक है, अगर इस तरह के हेयर पिन लूप देखेंगे तो आप देखेंगे क्या कि बेस के पास ये बेस है, बेस जो होता है यूजुअली जी सी रिच होता है, जी 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 सी सी सी। तो यहां लिखते हैं बेस ऑफ लूप इज जी सी रिच, ठीक है, ये जो होता है जी सी रिच होता है, और बाकी जो सीक्वेंसेस हैं वो यूजुअली यू रिच होते हैं, ठीक है। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। जैसे आप देखेंगे यहां पर भी हम अगर दिखाएं तो आपको
यू ही दिखेगा। आप इसको बुक में भी देख सकते हैं, बुक में भी पूरे सिक्वेंस दिए रहते हैं और वहां पर आप ज्यादा से ज्यादा यू को देख सकते हैं। अब जो यू रिच है, यू सिक्वेंस है, इंपॉर्टेंस क्या है उसका? इंपॉर्टेंस ऑफ यू रिच सिक्वेंस, यू रिच सिक्वेंस का ये इंपॉर्टेंट है कि यू के पास जो होता है दो ही हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कंपेरेटिवली ये लाइटर मतलब हल्का न्यूक्लियोटाइड है, तो मतलब जितने भी नाइट्रोजनस बेस होते हैं ना उन सभी में यू सबसे लाइट वेटेड होता है। यूरासिल न्यूक्लियोटाइड इज मोस्ट लाइट वेटेड अमंग फोर न्यूक्लियोटाइड्स इन यू, न्यूक्लियोटाइड्स इन आरएनए। कहने का मतलब है कि आरएनए में जो चार न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एटीपी, जीटीपी, सीटीपी एंड यूटीपी। इन सब में सबसे हल्का कौन होता है? यूटीपी। इसका मतलब है कि ये आराम से डिस्टेबलाइज हो जा सकता है। देयरफॉर यू रिच सीक्वेंस सीक्वेंस कैन बी इजीली डिस्टेबलाइज्ड इन आरएनए डीएनए, ठीक है, आरएनए डीएनए हाइब्रिड, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये तो डीएनए पर बनते रहता है। उस आरएनए डीएनए पर जैसे ही यू रिच सीक्वेंस ज्यादा आने लगता है वो आराम से डिस्टेबलाइज होता है। अगर हम इसको ऐसे दिखाएं, ये डीएनए टेम्पलेट है, ये सभी क्या है? ए ए ए ए ए ए ए ए ए, ठीक है, और इस पर जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बन रहा है वो सभी क्या है? समझ ही गए होंगे, यू 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 यू। ये आसानी से डिस्टेबलाइज हो जाता है क्योंकि जो इसका इसकी ताकत है वो कंपेरेटिवली बहुत कम होती है। तो यहां पर आरएनए पॉलीमरेज भी यहां पर मौजूद रहता है, आरएनए पॉलीमरेज, ये आरएनए प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, और ये आसानी से डिस्टेबलाइज, जैसे हेयर पिन लूप बना, बस ये टक से वहां से क्या होगा, खुलकर अलग हो जाएगा। सो जो यू रिच सीक्वेंस है, यू रिच सीक्वेंस हाँ नीड्स लीस्ट एनर्जी टू ब्रेक द एसोसिएशन बिटवीन किसके बीच में? आरएनए डीएनए के बीच में। ये बहुत कम एनर्जी में ये आराम से दोनों को खोल सकता है, इसीलिए यह यू रिच होता है, ठीक है। अच्छा, डीएनए पर इसका सीक्वेंस क्या होता है? यू रिच सीक्वेंस किस पर होता है? प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट पर। इसका मतलब हो गया यू ए सीक्वेंस हो गया ये, और डीएनए पर क्या होगा? एटी रिच डीएनए टेम्पलेट। डीएनए टेम्पलेट पर इसके अगेंस्ट में क्या होगा? एटी रिच होगा, तो ये यू ए रिच होगा। ये जो है ना बेसिक रो इंडिपेंडेंट जो मेथडोलॉजी है वह यही है, इसी चीज को ध्यान देना चाहिए। और डीएनए टेम्पलेट पर तो ऐसे 80 कंजर्व्ड सीक्वेंस होते हैं। कंजर्व्ड सीक्वेंस मतलब जो सामान्यतः कोई बदलाव नहीं लाता है। और इसे इस साइट को, इस 80 रिच साइट को टर्मिनेटर साइट भी कहते हैं, टर्मिनेटर साइट। यही बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है इस पूरे कहानी का।